नमस्कार, स्वागत है आपका डेली डायरी न्यूज में। पीएनबी घोटाले पर पहली बार नीरव ने चुप्पी तोड़ते हुए कहा कि मामले को सार्वजनिक कर पंजाब नेशनल बैंक ने कर्ज वसूली के सभी विकल्प गंवा दिए हैं। देश के बैंकिंग इतिहास की सबसे बड़ी धोखाधड़ी के मुख्य कर्ता धर्ता नीरव ने कहा कि पीएनबी ने मामले को सार्वजनिक कर उससे कर्ज वसूलने के अपने सारे रास्ते बंद कर लिए हैं। नीरव ने यह भी दावा किया है कि पीएनबी उसकी कंपनियों के ऊपर बाकी कर्ज को बढ़ा चढ़ा कर पेश कर रही है। पीएनबी मैनेजमेंट को 15 से 16 फरवरी को लिखी गई एक चिट्ठी में मोदी ने कहा कि उसकी कंपनियों पर बैंक का बकाया 5,000 करोड़ रुपए से कम है। चिट्ठी के मुताबिक नीरव का कहना है कि गलत तौर पर बताई गई बकाया रकम से मीडिया में हो हल्ला हो गया और इसका परिणाम ये हुआ कि जांच का काम भी शुरू हो गया और कामकाज बंद हो गया। चिट्ठी में मोदी ने लिखा कि इससे हमारे बिजनेस पर बैंक के बकाया को चुकाने की हमारी क्षमता खतरे में पड़ गई है। नीरव ने अपनी पत्नी और मामा का बचाव करते हुए कहा कि मेरी पत्नी बिजनेस ऑपरेशंस में शामिल नहीं है और इस मामले में गलत तरीके से उनका नाम लिया गया है। मेरे मामा मेहुल चौकसी का भी नाम इस शिकायत में गलत तरीके से दिया गया है क्योंकि उनका बिजनेस अलग है और मेरा उनसे कोई लेना देना नहीं है। उन सबको मेरी बैंक से लेन देन की कोई जानकारी नहीं है। इसके साथ ही नीरव ने चिट्ठी के अंत में बैंक से अनुरोध किया है कि 2,200 कर्मचारियों को वेतन के भुगतान को मौजूदा खातों में से देने की अनुमति दे दी जाए।